नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, जेंट स्वेटर में, हाफ में, फुल में, पुलोवर में, टॉप में, स्कार्फ में, शॉल में, किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये पीछे से ये ऐसा दिखाई देता है और आगे से ये टेढ़ा टेढ़ा लहर की तरह दिखाई देता है। फंदों की इसमें कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। आप इसे चाहें तो बॉर्डर बनाने के बाद डिज़ाइन के तौर पे डाल सकते हैं, या फिर फंदे डालने के बाद सीधे इसे बॉर्डर की तरह ही पूरे स्वेटर में डाल सकते हैं, बिना बॉर्डर बनाए डायरेक्ट इसे ही डाल सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। पहला फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर उन सामने करेंगे सीधा फंदा, और इसके ये जो धागा दिखाई दे रहा है, ये यानी उल्टा फंदा और सीधा फंदा को जोड़ने वाला ये जो धागा दिखाई दे रहा है, इसे दोनों को एक साथ उठाएंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। अगला फंदा उल्टा, उन सामने करेंगे सीधे फंदे में, और उल्टे और सीधे को जोड़ने वाले इस धागे को, देखिए इस धागे को उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, फिर सीधा फंदा और ये धागे को, दोनों को एक साथ उठाएंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा। ध्यान से देखिएगा, ये सीधा फंदा इसमें सिलाई डालेंगे और इसके बाद उल्टा और सीधा को ज्वाइंट करने वाले धागे को उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर सीधे और उल्टे को ज्वाइंट करने वाले धागे में सिलाई डालेंगे, दोनों को एक साथ एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, सीधा फंदा और इस ज्वाइंट धागे को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। उल्टा फंदा बनाइए, सीधा फंदा और इस धागे को एक साथ उठाइए, पहले धागे को गिरा दीजिए, फिर इसी पर सीधा वाला फंदा चढ़ा लीजिए, आराम से हो जा रहा है। एक फंदा उल्टा, फिर सीधे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और उसके बाद उस ज्वाइन करने वाले धागे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक सीधा फंदे में बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनना है। सीधा बुनने के लिए सीधा फंदे को और उसके बाद उल्टे और सीधे को ज्वाइंट करने वाले धागे को दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, सीधा फंदा में सीधे फंदे को और उल्टे और सीधे को ज्वाइंट करने वाले धागे को एक साथ उठाएंगे, एक फंदा और एक फंदा सीधा बना लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा, सेकेंड रो और बैक साइड,
सीधे वाले फंदे को सीधा और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बना लेंगे। बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहा है इसे, ऐसे ही एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हाथ थोड़ा ढीला चलाएंगे। टाइट बुनने से डिज़ाइन की सारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, इसलिए हाथ थोड़ा ढीला चलाएंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा यानी बॉर्डर जैसे बुनते हुए सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उल्टा, अब सीधा वाला फंदा और सीधे वाले फंदे और इसके उल्टे वाले फंदे को ज्वाइन करने वाला है, यानी पहले बार हमने सीधे वाले फंदे के बाद वाला फंदा धागा उठाया था, इस बार हम सीधे वाले फंदे और उल्टे वाले फंदे के सीधे वाले फंदे के पहले वाला धागा उठाएंगे ऐसे, और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, सीधा फंदा और उस उल्टे फंदे को ज्वाइंट करने वाले फंदे में धागा उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड, ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा और सीधा फंदा को ज्वाइंट करने वाला ये जो धागा है, इसको सिलाई पर ऐसे चढ़ाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना देंगे। अगला फंदा उल्टा, सीधा फंदा और सीधे फंदे के पहले वाले धागे को ऐसे सिलाई पर चढ़ाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह करने से ये जो सीधा फंदा है वो दाहिनी ओर टर्न कर ले रहा है। अगला फंदा उल्टा, सीधा फंदा और सीधे फंदे के पहले वाला धागा जो इसको उठा के सिलाई पर चढ़ाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा। अगला फंदा उल्टा, सीधा फंदा और उसके पहले वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा, सीधा फंदा और सीधा फंदा के पहले वाले धागे को ऐसे उठाएंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। इससे ये सीधा फंदा जो है वो दाहिनी ओर घूम जाता है और जब उसके बाद वाले धागे को लेते हैं तो बाईं ओर घूम जाता है। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, सीधा बुनने के लिए सीधा फंदा और उसके पहले वाले धागे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। फोर्थ
फोर्थ रो और बैक साइड, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उल्टा और फिर उन सामने करेंगे सीधा फंदा और उसके बाद वाले धागे को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा यानी फिफ्थ रो पहली लाइन की तरह बनाई जाएगी। चार लाइन का ये रिपीटेड प्रोग्राम डिज़ाइन है, इन्हीं को बार बार रिपीट करने से ये लहर की तरह डिज़ाइन अपने आप बनता चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा। पहली लाइन में सीधे के बाद वाले धागे को, सीधा और उसके बाद वाले धागे को, और तीसरी लाइन में सीधा और उसके पहले वाले धागे को लेके एक सीधा लाइन बनाना है, सीधा फंदा बनाना है, यानी बॉर्डर की तरह एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।